टूटेगा जब आज ही हमारे पास पैसा नहीं है हमारी जेब में। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। देखिए, मुझे शिकायत मिली थी क्योंकि कुछ दिनों पहले हम अजमेर विद्युत वितरण निगम के MD से मिले थे और उनको हमने कहा था कि 31 मई तक राज्य सरकार ने घोषणा करी है कि किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं वसूल की जाएगी इन मार्च, अप्रैल और मई के बिलों पर। लॉकडाउन की वजह से जिनके पास पैसे नहीं थे वो बिल जमा नहीं कर पाए, इसलिए 3 महीना बिल डेफर किए गए थे और डेफर करने के कारण से ये बात आई थी कि आपने डेफर किए हैं इसलिए कोई पेनल्टी उनसे नहीं वसूली जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणाएं कुछ होती हैं और काम विभाग के लोग कुछ और करते हैं। जब कुछ दिनों पहले हम MD से मिले और उनको कहा तो उन्होंने भी हमें यही आश्वासन दिया था कि 31 मई तक मार्च, अप्रैल और मई के बिलों पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन आज जब मुझे ये शिकायत मिली और मैं यहाँ पर ये मेयो कॉलेज सर्किल पर मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा कि पेनल्टी वसूल की जा रही है। और जब मैंने पूछा बिल जमा कराने वाले कर्मचारी से तो उनका ये कहना है कि हमारे को तो ऊपर से ऑर्डर है, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है और जिस सॉफ्टवेयर के तहत हमारे पर बिल की राशि आई है उतने ही बिल की राशि हमको वसूल करनी है। हमें 2% जो लगाई है उन्होंने पेनल्टी, वो 2% पेनल्टी के साथ ही हम वसूल कर सकते हैं, हमारे को छूट देने का कोई पावर नहीं है। इसके बाद में मैंने टाटा पावर के MD से बात करी। टाटा पावर के MD का भी यही कहना है कि चूंकि RACP ने हमें ये आदेश दिया है कि अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई के यदि डेट से बाद में जेल जमा होते हैं तो हमें 2% पेनल्टी लेनी होगी और उसी के तहत हम राज्य सरकार के आदेश के तहत ही पेनल्टी ले रहे हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस चीज़ को क्या कहें कि देश प्रदेश का मुखिया जो स्वयं मुख्यमंत्री अपने मुँह से घोषणा करता है, घोषणा करने के बाद में उसको खबरों को अखबारों में छपवाता है और अखबारों में छपवाने के कारण से जो आम जनता है जो लॉकडाउन के कारण से जिनकी कमाई बंद हो गई थी वो ये सोच करके कि हम मई तक अपना बिल जमा करा देंगे, सरकार ने मई तक रेफर कर दिया है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये सोचकर उन्होंने अपना बिल जमा नहीं कराया। और आज जब वो बिल जमा कराने जा रहे हैं तो उनको 2% पेनल्टी लग रही है। तो आज की जो अखबारों की खबर है उसको वो भी भ्रामक है और वो भी असत्य खबर है, क्योंकि राजस्थान में जो विद्युत विभाग है वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानता, मुख्यमंत्री उनसे अपनी बात कहलवा नहीं सकते और सिर्फ जनता में झूठी वाहवाही लेने के लिए वो इस प्रकार का काम करते हैं जो अजमेर और पूरे प्रदेश की जनता उनको माफ़ नहीं करने वाली है। ये कहा जा रहा है कि हम इस पेनल्टी को वापस कर देंगे, तो आप कैसे वापस कर देंगे? आज तो हमारे जेब में पैसा नहीं है, आज तो जेब में पैसा नहीं है जमा कराने के लिए, आज हमको पैसों की ज़रूरत है, आज हमें कैश की ज़रूरत है, आज हमसे पेनल्टी के साथ आप पैसे ले रहे हैं और कब वापस कर देंगे? कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, क्योंकि पहले तुमने कहा कि 3 महीने बिल हम डेफर कर रहे हैं और डेफर करने के बावजूद भी आज जो बिल जमा कराने हमारे ये आए हैं ग्राहक जो भी आए हैं उनको पेनल्टी के साथ में उनसे वसूल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी जो है मैं कहूँगी बहुत बड़ा ये झूठी बात है, बहुत बड़ा कृत्य जो है राज्य सरकार ने किया है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। ये राज्य सरकार सिर्फ जनता को लूटने में लगी हुई, राहत देने का उनका कोई काम नहीं है और इसी वजह से आम जन बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा है। मैडम कितनी पेनल्टी लगी के आई है और कितनी ली? देखिए ये बिल जो मेरे पास में है ये बिल है 3,475 रुपये का और पेनल्टी के साथ में इसको जो जमा कराना है वो 3,602 रुपये जमा कराना है। तो इस तरह से ये पेनल्टी के साथ में इनको ले रहे हैं जबकि एक्चुअल में बिल जमा होना चाहिए था 3,475 रुपये ही, क्योंकि यही बिल मूल है और यही बिल डेफर हुआ है और ये लॉकडाउन के बीच का ही बिल है, लॉकडाउन के बीच का बिल है इसलिए इसको 31 मई तक जमा कराया जा सकता था, इसीलिए लोगों ने जमा नहीं कराया और आज जब लोग इसको जमा कराने आ रहे हैं तो पेनल्टी के साथ में जमा करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बातों में आकर के लोग जो उस समय नहीं जमा करा पाए लॉकडाउन की वजह से जमा नहीं करा पाए, या फिर ये कहें कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने लॉकडाउन लगाया
तो जब लोग घरों से आकर के कैसे बिजली के बिल जमा कराएंगे? मैडम सरकार कह रही थी बिल माफ होंगे। सरकार और बिल माफ? सरकार एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पानी और बिजली के 3 महीने के बिल माफ करने की बात मुख्यमंत्री जी को कही थी कि आप आम जनता के जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, जो घरेलू कनेक्शन है, उन घरेलू कनेक्शनों के लॉकडाउन की अवधि के 3 महीने के बिलों को माफ करें। लेकिन दुर्भाग्य कहूंगी, माफ करना तो बहुत दूर रहा, यहाँ तो पेनल्टी के साथ में वसूली जा रही है राशि। पंजाब सरकार को देखो, यूपी की गवर्नमेंट को देखो, उन्होंने बिजली के बिलों से जो फिक्स चार्जेस थे उनको हटा दिया, फिक्स चार्जेस हटा दिए उन सरकारों ने। फिर हमारी राजस्थान सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं हटा रही है इनके ऊपर ये फिक्स चार्जेस? क्यों नहीं इनको माफ़ कर रही है? पर बहुत शर्म की बात है कि माफ़ करना तो बहुत दूर की बात रही, वो और उल्टे पेनल्टी लेकर के जनता को और मारने का काम कर रही है ये सरकार, जो हमेशा ये रोना रहती है। ये मुख्यमंत्री जो जब जब मुख्यमंत्री बने तब तब कहते हैं कि सरकार का खजाना खाली है। पहली बार 98 में बने तब 5 साल रोते रहे कि सरकार का खजाना खाली है। फिर बाद में 2008 में बने तो फिर 5 साल रोते रहे कि सरकार का खजाना खाली है। और अब फिर सरकार का खजाना खाली होने का रोना रोते हुए ये पेनल्टी वसूलने का काम कर रहे हैं, जो बहुत शर्मनाक है। उनकी जितनी भर्त्सना होनी चाहिए उतनी कम है।